गाइस मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे एंट्री कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अंदर आना। तो ये पूरा वे है जहाँ से चल के हमें आगे टेंपल तक पहुँचेंगे। सो कम ऑन गाइस। हेलो गाइस, आपका दोस्त संजय खरन आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा कमल दिखाने के लिए लाया हूँ। गाइस, मैं इस समय खड़ा हूँ लोटस टेम्पल के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लोटस टेम्पल का एड्रेस बता दूँ। ये लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली के कालकाजी में। और मेट्रो से आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कालकाजी मेट्रो स्टेशन है। गाइज, अब मैं आपको लोटस टेम्पल के अंदर लेके चलूंगा, यहाँ की सराउंडिंग दिखाऊंगा और इसकी खासियत आपको साथ साथ बताता हूँ। सो कम ऑन गाइज, चल के अंदर देखते हैं। तो गाइज, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, ये लोटस टेम्पल बना कैसे। एक्चुअली में एक फ्रेंच पर्सन थे जिनका नाम बहोला था। उन्होंने क्या किया, वो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, एक अपना ही धर्म बना डाला, बहाई धर्म। सो उनके इसी धर्म को प्रमोट करा उन्होंने। बहुत सारी कंट्री में इस तरीके के लोटस टाइप के उन्होंने एक टेम्पल बनाए जिसमें सिर्फ हम वर्शिप करते हैं और एक पीस ऑफ माइंड का सिंबल की तरीके से क्रिएट किया। और यहाँ पे इनका पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर भी बना हुआ है भाई पैलेस में, कि जिसमें उनकी पूरी धार्मिक किताबें रखी गई हैं और इस धर्म को जो उन्होंने बनाया बहाई धर्म, उसके बारे में सारी डिटेल जानने के लिए मिलती है गाइस। सो मैं अभी आपको एक अंदर का व्यू दिखाता हूँ और इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए, तो गाइज ये पूरा एक व्यू लीजिए लोटस टेम्पल का और इसकी खूबसूरती बताता हूँ। इसके चारों तरफ जो है इस तरीके के वाटर के ना एक सरोवर से दे रखे हैं। देखिए, एक ये सरोवर है, एक ये सामने है। इसी तरीके से राइट पूरा सराउंडिंग करके सरोवर दिए हुए हैं। जैसे कमल होता है पानी में खिला हुआ, तो पानी में होता है, तो एक वाटर का पूरा इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे ब्लू कलर का वाटर बड़ा अच्छा सा डिस्प्ले किया हुआ है। और गाइज मैं आपको इस यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, लोगों का उत्साह देखिए यहाँ आने के लिए। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना क्राउड रहता है। चारों तरफ जो है गार्डन्स बने हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर। और ये एंट्री है यहाँ से, और ये अंदर जाने के लिए भी देखिए क्यू लगी हुई है। अंदर कोई मूर्ति नहीं है, अंदर सिर्फ आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई साउंड नहीं अंदर आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है। तो यही इस लोटस टेम्पल की खूबसूरती है। अच्छा, ये मैं आप ये जो देख रहे हैं ये सारा पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये वाइट मार्बल जो है इंडिया का भी नहीं है, ये ग्रीस से मंगवाया हुआ था, जो इसकी पेटल्स बनी है वाइट मार्बल की। और इसकी एक और खासियत बताता हूँ गाइस आपको, ये जो पेटल्स हैं ये 27 पेटल्स हैं। और इसके जो डोर है, जैसे आप देख रहे हैं 9 डोर है टोटल इसके। तो गाइज ये आप देख रहे हैं ये मेडिटेशन हॉल है जहाँ से हम मेडिटेशन के लिए अंदर एंटर करते हैं। और यही जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ के 9 डोर बने हुए हैं, इसके 9 दरवाजे हैं जहाँ से आप अंदर एग्जिट और एंट्री का जाने का है आज। तो गाइज मैं अंदर मेडिटेशन करके आता हूँ, थोड़ा अंदर टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइज आप ये क्यू देखिए, क्यू बहुत लंबी है। अभी मैं भी क्यू में ही लगा हुआ हूँ। सो गाइज अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, बट मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ अंदर का व्यू। ये गाइज आप अंदर देख सकते हैं, अंदर क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे लगभग 1300-1400 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। वुडन चेयर राउंड में दे रखी है और कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहीं पर ही लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ देर आराम से पीस ऑफ माइंड होकर बैठते हैं। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चेयर्स हैं पूरी अंदर। बहुत खूबसूरत व्यू है। तो गाइस मैं अंदर लगभग 15 मिनट बैठा हूँ। पूरे ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस है जैसे अगर कोई सुई भी गिरेगी ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी। अंदर रूम ऐसा साउंड प्रूफ बनाया हुआ है, एक तो गुंबद ऐसा ऊंचा सा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। मैं ये देख रहा था कि इतने लोग देखने के लिए क्या जा रहे हैं, ये मतलब ऐसा क्या चीज़ है। बट ये टूरिस्ट प्लेस जो है ना दिल्ली का, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जो इतना लोगों को अभी पता ही नहीं। तो गाइस बहुत अच्छा लगा अंदर, अनलिमिटेड। आप देख रहे हैं गाइस ये टूरिस्ट का सैलाब आया हुआ ऐसा लग रहा है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से यहाँ इस धर्म की जो बहाई धर्म है जिसको बहोला ने अपना एक धर्म नया बनाया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और कुछ बुक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। अच्छा गाइज यहाँ पे टूरिस्ट बहुत है और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है यहाँ से ना आउट ऑफ दिल्ली से हैं।
फॉरनर्स हैं और इंडिया के अलग अलग जगह से हैं। तो गाइज मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ इंफॉर्मेशन सेंटर में, बट यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये देखिए तो मैं अंदर चलता हूँ फिर आके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बहुत दिल को सुकून मिला यहाँ आके अंदर, जो मेडिटेशन के लिए जैसे हम बैठते हैं ना मेडिटेशन में ऐसे करके बैठते हैं, बट यहाँ पे चेयर्स लगी हैं, आपको रिलैक्स होकर बैठना है, यहीं से आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिला है गाइस। सो इसके बारे में ना मैंने पूरी डिटेल्स वैसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें डाल दिया और कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दी और बता भी दी गाइस। सो आई होप आपको ये घूम के और ये नई चीज़ जान के तो बहुत मज़ा आया होना, मुझे तो इनफैक्ट बहुत मज़ा आया। तो गाइस जैसा भी आपको लगा आप कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको इसी तरीके से नई नई डेस्टिनेशन घुमाता हूँ।